अय्याज मौलवी, तंजिला अय्याज मौलवी आणि MIM पार्टीतर्फे नागरिकांना, सर्व मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा अय्याज मौलवी यांनी दिल्या. हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे महाराष्ट्र के MLA इम्तियाज जलील और वारिस पठान MLA और हमारे हैदराबाद के MLA कौशल मोहिद्दीन और अहमद बलाला, मेरा जाफर हुसैन, मौसम खान, मुमताज खान और तब सभी MIM पार्टी के जिम्मेदारों की तरफ से मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों को रमजान के चांद की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ हम लोग करते हैं कि हमारे देश में प्यार और मोहब्बत रहे, सभी धर्म के लोग साथ में मिलके रहे और देश की तरक्की के लिए काम करें. हमारे असद साहब के भी यही कहना है कि सबसे पहले हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में और हमारे हिंदुस्तान में कैसे हम तरक्की के काम कर सकते हैं, तो MIM पार्टी का वही काम है कि देश में विकास का काम हो, तरक्की का काम हो और लोग एक दूसरे से भाईचारे से रहे. मैं चाहता हूँ सभी धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग मिलके रहे, प्यार मोहब्बत से रहे और हर धर्म के लोग एक दूसरे को, एक दूसरे के धर्म के प्रोग्राम में, और ईद का प्रोग्राम हो या दिवाली का हो या क्रिसमस का हो, अम्बेडकर जयंती का हो, जितने भी प्रोग्राम है उसमें एक दूसरे के प्रोग्राम में सब लोगों ने शामिल होना मांगता है और हमारे देश में प्यार और मोहब्बत ऐसा ही कायम रहे, क्योंकि ये हमारा तिरंगा है, इसके अंदर हर धर्म के कलर है और ये देश भी वैसा ही है, प्यार मोहब्बत का संदेश देता है देश में और हर तरह की जबान है. इसके लिए असद साहब भी हमेशा हमको यही बताते हैं, अकबर साहब भी यही बताते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हमेशा तरक्की हो और ऐसे काम करो कि हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए. जैसा कि अभी बीच के अंदर हमारे अकबर साहब ने हैदराबाद में महाशिवरात्रि के टाइम पे कहा था विधानसभा में हैदराबाद के, कि जैसे कि मुसलमान लोग रोजे रखते हैं, क्रिसमस के टाइम में क्रिश्चियन लोग रखते हैं, वैसे हमारे हिंदू भाई लोग भी महाशिवरात्रि के टाइम पूरी रात भर जाग के इबादत करते हैं. इसके लिए महाशिवरात्रि के दिन गवर्नमेंट के तरफ से हिंदू समाज को छुट्टी होना मिलता है, ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था. तो ये हमारी पार्टी भी एक अच्छी पार्टी है और सभी धर्म और सभी समाज को लेके चलने वाली पार्टी है, सभी को साथ में लेके चलना भी चाहिए, इसी में देश की तरक्की है. आप तमाम बिरादरान इस्लाम और पूरे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों, जो मुसलमान है और जो हमारे हिंदू भाई है, तमाम से मैं अपने, हमारे असद साहब और अकबर साहब और तमाम MLA MIM के और इम्तियाज जलील साहब और वारिस पठान साहब, हमारे महाराष्ट्र के MLA और तमाम कार्यकर्ता, जो बड़े से बड़ा कार्यकर्ता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता, इन तमाम की तरफ से तहे दिल से रमजान की और चांद की मुबारकबादी देता हूँ और पूरे हिंदुस्तान को यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये रमज़ान का महीना है, ये बहुत अमन और शांति का महीना है. तमाम को यही दुआ करेंगे कि तमाम इस अमन के पैगाम को लेके और पूरे देश में ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ में ये रमज़ान के त्यौहार को मनाए और सहरी करे, इफ्तार करे और जो नमाजों का एहतमाम हो रहा है उनमें सब मिलजुल के एक साथ रहे और देश के जो भाईचारे का जो एक रंग है उस रंग में घुल जाए. और तमाम से मैं यही कहूँगा और तमाम मुसलमानों से यही गुजारिश करूँगा कि आप बहुत बहुत दुआएं करें कि हम हमारे हिंदुस्तान में हमारा शांति से रहे और हमारे भाई के साथ में हम ईद मिले, ईद के दिन शीर खुरमा पिए, हमारे हिंदू भाइयों के साथ में और हमारे क्रिश्चियन भाइयों के साथ में और दलित भाइयों के साथ में मिल के हम ईद का त्यौहार मनाए और ये रमजान को एकदम खुशी से बिताए, बस यही कहना चाहूँगा. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया TV न्यूज़.